वाराणसी की पार्टी के एंट्री से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ी। जी हाँ, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज के बाद अब कुढ़नी में भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गेम बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल एआईएमआईएम ने कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर ऑल इंडिया मूविंग कॉन्फ्रेंस के सदस्य और पूर्व जिला पार्षद गुलाम मुर्तजा अंसारी को मैदान में उतारा है। यह तो आप जानते ही होंगे, इन्हें ही मैदान में उतारा गया है। अब जाहिर सी बात यह है कि ओवैसी का ये फैसला महागठबंधन के नेताओं को तो रास नहीं आ रहा होगा, और आए भी कैसे, विपक्षी जो ठहरे, विपक्षी को कभी भी एक दूसरे के काम पसंद नहीं आते, ये बात तो आप भी जानते हैं। और एक वजह ये भी है कि गोपालगंज में महागठबंधन को भाजपा से नहीं बल्कि एआईएमआईएम से मात मिली। ऐसे में कुढ़नी में पार्टी के दावेदारी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रूप कायम किया है। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज का उपचुनाव लड़कर एआईएमआईएम ने एकदम सही काम किया। खैर, अपने काम की तारीफ तो सभी करते हैं, अब वो ही जाने और जनता ही जाने कि उन्होंने ऐसा करके सही काम किया है या नहीं। ओवैसी ने कहा कि गोपालगंज में जिन लोगों ने उनके उम्मीदवार को वोट दिया है वो उन्हें सलाम करते हैं। ये बातें ओवैसी ने कही, ये बयान ओवैसी ने दिया, उन्होंने लोगों को सलाम किया जिन्होंने उनकी पार्टी को वोट दिया। वही महागठबंधन को हराने के लिए उम्मीदवार उतारने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि वे लालू, नीतीश या कांग्रेस से पूछकर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाहिर है सही बात भी है, क्या कि क्यों किसी से कोई पूछकर चुनाव लड़े। यही बात ओवैसी ने भी कही कि वो लालू, नीतीश या कांग्रेस से पूछकर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में राजद की सरकार है, इसलिए तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि लोगों ने उन्हें वोट क्यों नहीं दिया। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि आखिर उन्हें उनके घर में ही वोट क्यों नहीं मिली, और नहीं मिली तो इसमें कोई क्या कर सकता है। बता दें कि इससे पहले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने भी कहा था कि संविधान के द्वारा एआईएमआईएम को देश में कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है। संविधान, जी हाँ, जब बात ओवैसी की होती है या बात ओवैसी या ओवैसी के नेता करते हैं तो बात संविधान की भी होती है, और उसी तरह की बात यहाँ पर भी। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है संविधान के जरिए, और अगर संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि एआईएमआईएम कुढ़नी में चुनाव नहीं लड़ सकती तो फिर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये साफ तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन ये फैसला उन्होंने संविधान पर छोड़ा कि अगर संविधान में नहीं लिखा होगा तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि संविधान में लिखा है कि पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है, यानी कि एआईएमआईएम पहले से ही कुढ़नी में चुनाव लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प, और पार्टी ने अब उम्मीदवार उतार भी दिया है। हमने आपको नाम भी बताया, आपने भी सुना। यहाँ आपको ये भी बता दें कि एआईएमआईएम उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा जेडीयू के साथ साथ आरजेडी में भी रह चुके हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के राजनीति और इसके वोट बैंक की फर्क हो, जो चुनावों में उनको लाभ पहुंचा सकती है, जो जीत की वजह भी बन सकती है, इसे इनकार तो नहीं किया जा सकता। जी हाँ, अक्सर कहते हैं कि इस पार्टी के नेता उस पार्टी में चले गए। जी हाँ, नेता है, आना जाना लगा रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि उनके जाने से नुकसान हुआ, और देखिए ये इसी तरह का नुकसान होता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कुढ़नी की चुनावी लड़ाई में गुलाम मुर्तजा अंसारी कैसा प्रदर्शन करते हैं। वैसे ओवैसी और अख्तरुल इमान के तेवर से ये साफ है कि कुढ़नी में एआईएमआईएम बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करेगी। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये बल्लेबाजी रहती कैसी है। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। जाने से पहले फिर से कहूंगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन तो जरूर दबा लें, वरना खबरें पता नहीं चलेगी आपको, और अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि वो आपके लिए ही, आपकी बातें जानने के लिए ही, तो अपनी बातें हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार।